मूवी में 267 का टाइम दिखाया गया है, जहां हमें बताया जाता है कि इस टाइम सारे प्लांट्स खत्म हो गए हैं और इस वजह से सारे ऑक्सीजन भी खत्म हो चुके थे। अब ऑक्सीजन ना होने की वजह से सारे लोग मर रहे थे। अर्थ से लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बस ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी ही बच गया था, क्योंकि उस शहर के लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे। लेकिन इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से ह्यूमंस को बहुत सारे डिजीजेस अटैक कर रही थी। अब यहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर एथन को देखते हैं, जिसकी वाइफ भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की वजह से इस खतरनाक बीमारी की शिकार हो गई थी। पर ऑक्सीजन अपनी वाइफ को बेस्ट क्वालिटी ऑक्सीजन देने के लिए काफी मेहनत कर रहा था, क्योंकि 2067 में ऑक्सीजन के लिए भी पे करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो लोग बचे हुए हैं, ये एक खास कॉर्पोरेशन की वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है। अब हम देखते हैं एथन को रेजिना ने अपने ऑफिस में बुलाया है। रेजिना उस कॉर्पोरेशन की सीईओ और रिसर्चर होती है, जो एथन को अपने ऑफिस में बुलाकर बताती है कि ऐसी बीमारी अगर पूरी दुनिया में फैलती रही तो सारी दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और वो कहता है कि एक तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकता है। ये सुनकर एथन चौंक जाता है, लेकिन फिर रेजिना एथन को एक लैब में लेकर जाती है। यहाँ एथन के साथ एथन का एक फ्रेंड भी था, और लैब में जाने के बाद उन्हें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है, और यहाँ एथन को बताया जाता है कि ये टाइम मशीन एथन के फादर ने बनाया था। और रेजिना एथन को कहती है कि ये मशीन सिर्फ तुम ही चला सकते हो, क्योंकि इस टाइम मशीन को एक्टिवेट वो घड़ी कर सकती है जिसे तुम्हें तुम्हारे फादर ने दी थी। एथन जब वॉच के बारे में सुनता है तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक घड़ी दी थी, जिसे उसने जब पहना था तो उसके हाथ से बहुत सारा ब्लड आया था, और उसके फादर ने कहा था कि ये वॉच तुम्हें पहचान दिलाएगी, इसे कभी भी अपने से अलग मत करना। लेकिन इस वॉच के बारे में एथन को कुछ भी नहीं पता था, और रेजिना अब एथन को बताती है कि इस टाइम मशीन से एक मैसेज आया है जो कि फ्यूचर का है, और मैसेज में तुम्हें 400 साल आगे यानी कि फ्यूचर में भेजने की बात हो रही है। यहाँ लैब के रिसर्चर्स एथन को बताते हैं कि आज से 400 साल बाद की दुनिया बिल्कुल पहले की तरह सामान्य हो गई है, यानी कि वहाँ प्लांट्स और ऑक्सीजन है, और वहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल नॉर्मल है। और रिसर्चर एथन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर के प्लान के मुताबिक 400 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जाना होगा, और वहाँ से प्लांट और ऑक्सीजन यहाँ लेकर आना होगा, जिससे दोबारा हम यहाँ का एनवायरनमेंट नॉर्मल कर लेंगे। एथन को ये लग रहा था कि यहाँ ये सब उससे मजाक कर रहे हैं, और अगर ये सच भी है तो एथन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार है। लेकिन साइंटिस्ट को ये लगता है कि अगर एथन फ्यूचर में चला जाए तो सच में वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में एथन को उसके फ्रेंड जूट के साथ देखते हैं, जो उसे फ्यूचर में जाने के लिए मना रहा था, लेकिन एथन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके फादर ने जो किया था वो उस चीज को दोहराना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके फादर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एथन और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। फिर एथन की माँ के डेथ के बाद जूट ने ही एक बड़े भाई की तरह एथन का ख्याल रखा था, और एथन अपने फादर की तरह अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जूट उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ बीमार है, और उसे सही करने का एक ही तरीका है कि तुम फ्यूचर में जाओ और वहाँ से प्लांट्स और ऑक्सीजन लेकर आओ, जिससे होगा ये कि यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, जिससे तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। और घर जाने के बाद जब ये सब बात एथन अपनी वाइफ को बताता है, तब वो भी एथन को फ्यूचर में जाने के लिए बोलती है, बट डीप डाउन वो नहीं चाहती थी कि एथन फ्यूचर में जाए, लेकिन सबकी भलाई के लिए वो एथन को फ्यूचर में जाने के लिए मनाती है। अगली सुबह बहुत सोचने के बाद एथन रेजिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि अगर आपको उस डिजीज का क्योर मिल गया तो सबसे पहले आप मेरी वाइफ को ठीक करोगे। इस बात को रेजिना मान जाती है। अब यहाँ एथन को फ्यूचर में भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ लैब में एथन को एक सूट दिया जाता है, जिस सूट को उसको मशीन में जाने से पहले पहनना था। और जब एथन आगे का प्लान पूछता है तो उन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होता। इन लोगों को ये नहीं पता था कि एथन को फ्यूचर में कौन मिलेगा और वो वापस कैसे आएगा। यहाँ तक कि उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि एथन उन प्लांट्स को यहाँ तक लेके आ पाएगा भी कि नहीं, लेकिन अब तो एथन को जाना ही था। अब इसके बाद एथन को एक डिवाइस दिया जाता है जो उसे पास से कनेक्ट रखेगी। फाइनली एथन को मशीन में खड़ा कर दिया जाता है और वो लोग टाइम सेट करके मशीन को ऑन कर देते हैं, जहाँ लैब में तो मशीन के चालू होने के बाद एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होता है, लेकिन मशीन के अंदर एथन बहुत तेजी से मूव कर रहा था, और आखिरकार वो स्पेस में घूमता हुआ एक अनजानी सी जंगल में आकर गिर जाता है। हवा में बहुत तेजी से मूव करने की वजह से एथन के सूट को आग लग जाती है, जिसे वो जल्दी से नीचे आकर उतार देता है, जिसके बाद वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि दुनिया पहले की तरह हो गई है। एथन प्लांट और ऑक्सीजन को देखकर बहुत खुश होता है, और थोड़ा आगे जाने पर एथन को एक स्केलेटन नजर आता है,
जिसके सर पर एक बुलेट का निशान था। और जब वो उस स्केलेटन के ड्रेस से नाम पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसी का स्केलेटन था। फिर उसे वहाँ से वैसे ही डिवाइस मिलती है जैसा उसे उन साइंटिस्ट ने दिया था। ये सब देखकर एथन बहुत डर गया था और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ उस स्केलेटन के हाथ में वही सेम एथन जैसी वॉच थी, लेकिन फर्क सिर्फ लाइट का था। स्केलेटन के वॉच में ग्रीन लाइट थी, वही एथन के वॉच में रेड लाइट थी, जैसा उसने अपने बचपन से देखा था। और ये चीज देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ एथन को घूमते घूमते रात हो जाती है और एथन रात बिताने के लिए आग जलाता है। वो वहाँ कुछ बेरीज तोड़कर खाता है, लेकिन यहाँ ये बेरीज पॉइजनस थी जिसकी वजह से एथेन की तबीयत खराब हो जाती है और एथेन बेहोश हो जाता है। एथेन की खराब तबीयत के बारे उस डिवाइस की मदद से लैब में पता चल जाता है। और अब जब एथेन होश में आता है तो उसके पास उसका फ्रेंड जूट था, जिसे एथेन को बचाने के लिए उसके पास फ्यूचर में भेजा गया था। अब एथेन और जूट को थोड़े आगे जाने पर एक दरवाजा नजर आता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एथेन का जो स्केलेटन हमने पहले देखा था वो अब इस डोर के आगे था, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में कुछ चेंज हुआ था। लेकिन तभी वहाँ एक स्कैनर निकल कर आता है और वो एथेन की आंख को स्कैन करके दरवाजे को खोल देता है। और उस दरवाजे के अंदर जाने से उन्हें पता चलता है कि ये वही लैब है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। जूड ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि अब उनके सामने टाइम मशीन थी जिसकी मदद से वो पास्ट में दोबारा जा सकते थे। लेकिन उन्हें टाइम मशीन के ऊपर एक टाइमर दिखता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लैब रीएक्टिवेट होने के 4 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। और इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था कि कोई भी इस टाइम मशीन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। यहाँ एथेन एक होलोग्राम को ऑन करता है जहाँ उसके फादर ने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई हुई थी और अब उन्हें तेजी से काम करना था, यानी कि ऑक्सीजन और प्लांट्स को कलेक्ट करके वापस जाना था। लेकिन जब वो देखते हैं कि ऑक्सीजन कलेक्टर यानी कि जो मशीन ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगी वो खराब है, तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें इस मशीन को 4 घंटे के अंदर अंदर ठीक करके वापस जाना था। और अब उनके पास टाइम बहुत कम बचा था। यहाँ उन्हें बाहर जाने पर पूरी सिटी प्लांट से कवर दिखती है, जगह जगह पर इंसानों की हड्डियाँ मिलती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इंसान के एक्सटिंक्ट होने पर यानी कि इंसान के खत्म होने के बाद ही ये सारी सिटी प्लांट में चेंज हो गई, यानी कि इंसानों के जाने के बाद ही इस दुनिया का एनवायरनमेंट ठीक हुआ था। फिर एथेन अपने घर जाता है और अपनी वाइफ की स्केलेटन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और एथेन को जो फ्यूचर से डिवाइस मिली थी वो उसे ऑन करता है और उसे पता चलता है कि जूड ही उसे शूट करेगा। अब ये रिकॉर्डिंग जूड भी सुन लेता है और वो एथेन को शूट करने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन एथेन उसे रोक लेता है और वो जूड से कहता है कि वो मरने से पहले उस मशीन को ठीक कर देगा। अब वो लोग फिर से लैब में आते हैं जहाँ उनके पास सिर्फ यहाँ 37 मिनट्स ही बाकी थे। अब यहाँ एथेन लैब के बाहर अपने स्केलेटन को देखने जाता है कि क्या जूट को रोकने से उसका फ्यूचर चेंज हुआ है, लेकिन वो देखता है कि उसका स्केलेटन बिल्कुल वैसा और वहीं पर था, जिससे उसे पता चलता है कि फ्यूचर अभी चेंज नहीं हुआ। और अब वो फ्यूचर को जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने डिवाइस से बैटरी निकाल कर फ्यूचर वाले डिवाइस पर लगाता है, जहाँ पर उसे वो वीडियो नजर आती है जिसमें जूट ने उसे मारा था। यहाँ जूट उसे बताता है कि हम वैसे भी नहीं बचने वाले हैं क्योंकि ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए समय रहते ही हमें टाइम मशीन में बैठकर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एथेन उसकी बात ना मानते हुए उसे एक रूम में लॉक कर देता है और लैब में आकर अपने फादर का रिकॉर्डेड होलोग्राम ऑन करता है। और ये होलोग्राम उस दिन का है जिस दिन उसके फादर की डेड हुई थी। और यहाँ एथेन देखता है कि उसके फादर अपनी बनाई हुई टाइम मशीन से मैनकाइंड और बाकी लिविंग थिंग्स को बचाना चाहते थे, लेकिन रेजिना उस मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी क्योंकि रेजिना अपने प्लान में कामयाब ना हो जाए, इसीलिए एथेन के डैड टाइम मशीन को एथेन के डीएनए से मैच कर देते हैं। इसी वजह से वो वॉच पहनने से एथेन के हाथ से ब्लड आया था। लेकिन रेजिना बहुत ही बुरी औरत थी, वो जूट के साथ मिलकर एथेन के पेरेंट्स को मार डालती है ताकि वो फ्यूचर में एथेन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। और ये सब देखकर एथेन टूट जाता है और बहुत रोने लगता है कि जिसको उसने अपना भाई माना था उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा है। यहाँ एथेन को इस बात का भी पछतावा होता है कि इतने सालों से वो अपने फादर को गलत समझ रहा था, वो भी सिर्फ झूठ के कहने पर। अब एथेन रेजिना को उसके मकसद में कामयाब नहीं होना देना चाहता था, इसीलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन तभी जूड आकर उसे रोक देता है और जूड यहाँ एथेन को सच्चाई बताता है कि रेजिना ने उसे यहाँ इसीलिए भेजा है कि जब एथेन वो डिफेक्ट ठीक कर रहा हो तो मैं उसे मार दूं। लेकिन जूड एथेन को अपने भाई की तरह समझता था और इतने साल उसके साथ रहने के बाद उसे एथेन से लगाव हो गया था, इसलिए वो एथेन को मारने के बजाय खुद को ही शूट कर लेता है। और अब वो अपने फादर का मकसद पूरा करने के लिए काम में लग जाता है। इसके बाद वो जल्दी से ऑक्सीजन कलेक्टर को भी ठीक कर देता है
और सारे प्लांट्स को टाइम मशीन में रख कर पास्ट में भेज देता है और रेजिना के सारे प्लांट्स को उसके साथ भेजे थे, लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं गया था। इससे रेजिना का सारा प्लान बर्बाद हो गया था और रेजिना को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ एथिन पास्ट में अपनी वाइफ के लिए एक फ्लावर भी भेजता है और खुद फ्यूचर में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और जब एथिन लैब से बाहर आता है तो वहाँ उसे कोई भी स्केलेटन नहीं दिखता, जिससे उसे पता चल जाता है कि पास्ट चेंज हो गया है और उसकी इस अच्छे डिसीजन ने पूरे मैनकाइंड को सेव कर लिया। फिर फ्यूचर का खूबसूरत व्यू दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।